फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ मधुबनी, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जिला से आ चुका हूँ। जब मैंने इंटर किया तो मेरा सेकेंड डिवीज़न आया था मार्क्स, और बाकी जो है मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। तो एडमिशन कराने चलते हैं सबसे पहले, और आते हैं एडमिशन करा के। देखिए, मेरे राजनगर में भी कॉलेज है। राजनगर में टोटल फीस लग रहा है 2250, और पूरा फॉर्म अप्लाई करके 2500 क्रॉस करा जा रहा है। और मुझे मतलब जीएम कॉलेज में, आरके कॉलेज में, मैंने सुना है 1400, मतलब कि 1400 में हो रहा है। तो कुल मिला के 1400 खर्चे हैं वहाँ पे। क्यों ना कुछ पैसे भी बच जाए, तो मैं जा रहा हूँ अभी। अब देखते हैं आगे क्या होता प्रोसेस। हम हैं, हमारे साथ एक सहयोगी मित्र भी हैं मेरे साथ। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं मैं जंगल से क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन ये जंगल बिल्कुल भी नहीं है। ये है राजनगर का पावर डिस्ट्रीब्यूटर, पावर हाउस इसे बोलते हैं। और बाकी यहाँ से निकलते हैं अभी। सबसे पहले आप उन लोगों को जाना है मधुबनी, और मधुबनी जाने के लिए 2 बजे का ट्रेन है। तो फिलहाल अभी टाइम 1:30 होने ही वाले हैं, तो चले जल्दी से चलते हैं। और जो कुछ भी होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, और ब्लॉग भी आपसे कंटिन्यू रखेंगे। कुछ भी होगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए गाइज, लेट्स गो। और गाइज, मौसम क्या मस्त हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, तो धूप जा चुकी है, और बाकी ठंडक सी है यहाँ पर मिल रही है जाते बजाते। सो चले बिना किसी टाइम वेस्ट किया, अभी चलते हैं। टाइम भी हो ही रहा है ट्रेन का, लेट्स गो गाइज। गाइज, मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, राजनगर पे बहुत जल्दी ही वीडियो आने वाला है, और यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, यहाँ के बड़े बड़े भवनों के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो बहुत जल्द ही आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा झलक देख लीजिए आप लोग, और जितना जल्दी हो सकेगा। यहाँ पर जंगली बाग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा मैं लाऊँगा वीडियो, बहुत जल्दी लाऊँगा। गाइज, मैं अभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल 2500 रुपये खर्च होने वाले थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, तो मैंने कॉलेज ही चेंज करवा लिया। वहाँ कॉलेज पे मैंने पता किया, तो कॉलेज पे बोल रहे हैं वहाँ पे 1400 रुपये ही लगेंगे। अब ये बात सत्य है या झूठ है वो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मतलब जिससे मैंने बात किया था वो भी मेरा एक दोस्त ही था, तो पता नहीं उसको क्या लगा नहीं लगा। मुझे बोला 1400 रुपया, तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है। मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा था वो कॉलेज यही है, विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, और इसी में लिए जा रहे हैं टोटल 2250 फॉर्म तौर पर अप्लाई करा के 2500 टका। तो गाइज, ये तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो चलिए अब क्या ही करें, अब चलते हैं जल्दी से। इसी के साथ मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं, और ये सीधा रूट जाता है स्टेशन की तरफ, तो चलिए वहीं पर चलते हैं पहले। तो भाइयों, इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अपने राजनगर के प्रमुख स्टेशन, जहाँ से मैं बराबर यात्रा करता ही रहता हूँ। सो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं, वहीं से ट्रेन है अपनी गंगा सागर नहीं, डीएमयू ट्रेन है गाइज। जल्दी से चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, फिर 4 बजे वाली अपनी ट्रेन भी है, फिर उस ट्रेन से हम अपन लोग वापस आएंगे। अनाउंसमेंट तो हो चुका है, यहाँ पे कैंटीन भी उस टाइम में बन ही रहा था, अब बन गया पूरा टोटल। और ये कुछ अपना स्टेशन। तो भाइयों, अभी हम चढ़ रहे हैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर थोड़ा नज़ारा लेने के लिए, और जो मेरे सहयोगी मित्र हैं वो बिहाइंड द कैमरा रहेंगे, बिहाइंड द सीन्स रहेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत कम ही दिख सकते हैं, नहीं के बराबर भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से राजनगर का क्या मस्त व्यू आ रहा है। सो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए, कीप इट अप ब्रो। यो, यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज पे इन लोगों के लिए क्या मस्त सेवा रखा गया है, दोनों एक इस साइड बैठे हुए, एक उस साइड बैठे हुए, और इधर जो है यहाँ के चदरा ही उखाड़ दिया, पता नहीं किसी ने एल्बेस्टर ही उखाड़ दिया। और यहाँ से व्यू देखिए गाइस, कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा पटरी ही दिख रहा है, ये सीधी ट्रेन आ रही है गाइस, ट्रेन आ रही है, अलाउंस हो रहा है, 10 मिनट से अलाउंस हो रहा है, इसके साथ ट्रेन भी आ रही है। तो चलिए आप लोगों को ट्रेन दिखाते हैं, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो वहाँ पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं आते जाते कुछ भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपने स्टोरी के बारे में शॉर्ट्स डालते ही रहता हूँ, तो वहाँ पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइज। ये वो सो गाइज, मैं अभी बहुत 2 मंजिल इतना हाइट पे हूँ, और यहाँ से लोग देखे चुट्टी की तरह लग रहा है, जिन्हें हम कभी भी मसल सकते हैं, लेकिन नीचे उतरेंगे तो वो हमें मसल देंगे। भाई माता खराब हो जाए यहाँ से बैठा। सो गाइस, आप लोगों को मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे दोस्त जो हैं सहयोगी मित्र, वो लोग मजाक कर रहे हैं, और मजाक करते करते यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, सावधान 25,000 वोल्ट्स, पता नहीं कुछ से कुछ है। और यहाँ पे दो अपने नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, जो अंटर पंटर लोग हैं ये भी अंडरवर्ल्ड के डॉन ही है दोनों।
और लोगों को कारनामे देखिए गाइज, वहाँ पे वो जो ब्रेंच है उसको तोड़ दिया गया, पता नहीं किसने तोड़ा। ये लोग गाइज ये सब चीज़ सुधारिए, क्योंकि ये अपना ही संपत्ति है, आज नहीं तो कल अपना होना ही होना है, और वैसे भी देश का है तो क्या अपना ही हुआ ना। तो चलिए गाइज, प्रवचन बहुत ज़्यादा हो गया, इसी के साथ अपनी ट्रेन भी आ चुकी है जहाँ पे आप देख सकते हैं, और ट्रेन आ रही है, और इसी के साथ चलिए अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यही ट्रेन है गाइज, शायद DMU है, और ट्रेन के आपको अपर साइड से, नीचे से तो मैंने बहुत दिखाया, अभी आपको हेड से दिखाऊंगा कैसे होता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक इंजन है, डीजल इंजन अब नहीं आता है, वो मालगाड़ी में यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के लिए। और इधर से कुछ ऐसे व्यू देख, देखा कितना अमेजिंग यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है, पता नहीं क्या है, आइए आप ऊपर में पता नहीं क्या लगा हुआ है। और ट्रेन रुकने भी लगा गाइस, तो चलिए अभी हम अपन लोग भी चलते हैं नीचे, नहीं तो अपन ट्रेन निकल जाएगी। भाइयों अभी बहुत मजाक मस्ती हो गया, और ट्रेन भी अभी आ ही चुकी है, फिर तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टिकट कटा लिया है, और अपन लोग जो है सबसे पहले बैठेंगे ट्रेन में, और ट्रेन से सीधा चलेंगे मधुबनी, और चलते हैं कॉलेज पे, क्या बातचीत होती है सब आपको बताएंगे, कॉलेज भी आप लोगों को होगा दिखाएंगे। मतलब वीडियो बनाए और पहुँचे रह जाएगा, चालू नहीं होगा, नशब हो जाए। सो गाइस ये ट्रेन आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, चलिए किसी में घुस जाते हैं। यार ट्रेन पे तो चढ़ चुके हैं, मतलब ट्रेन में आ गए हैं, और अभी खुलने का इंतजार है, बस खुलेगा और निकलेंगे अपन लोग भी। सो गाइस आंटी जी का स्ट्रगल देखिए, इतने बड़े स्टेशन पे, और ये आंटी जी भुजा बना बना के सेल कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रगल है। सो प्लीज़ इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना, आई शपथ बता रहा हूँ स्ट्रगल बहुत है, और लाइक नहीं किया तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, सॉरी। कमाल हो गया। क्या बोले भैया, आप खाइएगा तो जवान हो जाइएगा, सब चीज़ सिखा देंगे तो क्या ऐसे हो जाएगा। क्या लाइन, खाइएगा तो जवान हो जाइएगा। एक से एक नमूने बड़े बड़े हैं भाई आप। अभी आपको ट्रेन का रिव्यू देते हैं, मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फेसिंग वाला नल है जो कि काम कर रहा है, और यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे एक टॉयलेट भी है, इधर के साइड है ये टॉयलेट गाइस, प्लस धान कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, इधर भी एक टॉयलेट है, इधर रुकना नहीं है ज़्यादा देर, और इधर बीच में शटर लगा हुआ है, और बाकी हम अपना हाथ साफ कर लेते हैं। अबे पानी क्या हुआ अबे, हाँ आया आया। और इधर सीट लगे हुए हैं टोटल यहाँ पे, कहाँ गया, 90 सीट है यहाँ पे, तो इसको उसमें टोटल 90 सीट है, 90 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये कुछ अपना कोच हुआ, अंदर हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे इधर ही। सो चलिए अब ट्रेन खुलने तक का वेट करते हैं गाइस। बिहाइंड द सीन्स मेरे दोस्त है, और यहाँ पे रोड लगा हुआ है, ये चीज़ करने के लिए दिया हुआ है, तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है। अभी टाइम पास हम लोग ले रहे हैं, 10 का दीजिए ना टाइम पास। तो जैसा बादाम है पीनट्स, तो इसे भी हम लोग खाएंगे, टेस्ट करेंगे। टोटल 10 रुपये का है ये, बंद कर लिया, बाकी पैसा अपना वापस बंद कर लिया। गाइस ट्रेन अपना हॉर्न दे चुकी है और बस खुलने वाले, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं हीरो बन रहे हैं, तो हीरो के चक्कर में इन लोगों का जीरो भी बन सकता है। जब ट्रेन खुलेगी तो ये इलेक्ट्रिक इंजन है, फुल स्पीड पे खुलती है ये ट्रेन, एकदम झटका सा मारता है बॉगी में, कोच में। और बाकी एक और फिर हॉर्न दे चुकी है, देख ही सकते हैं हम कितना ज़ोर से झटका मारेगी, अभी देखें गाइस अचानक से झटका मारती है। तो चलिए अब ट्रेन खुल चुकी है, तो अब चलते हैं सबसे पहले मधुबनी स्टेशन। बाय बाय राजनगर, फिर मिलते हैं आधे एक घंटा के बाद। सो अरे भाई ये क्या हुआ पड़ा है, अरे वाह दिवाली टूट गया यहाँ पे तो। सो चलिए अब अपनी तो अराइवल यहाँ से हो चुकी है,
तो गाइस देख सकते हैं, सो गाइस देख सकते हैं कितना स्पीड में ट्रेन है गाइस। गाइस 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 मैं गाइस गाइस मैं उड़ जाऊंगा गाइस गाइस प्लीज हेल्प मी गाइस। गाइस देखिए गाइस गेट तो क्रॉस है गाइस। गाइस वैसे मजाक कर रहा था, अभी हम आपको दिखाते हैं कितना एक्चुअली इसका स्पीड है ट्रेन का। भाई क्या कौन निकालो भाई निकालो फोन। गाइस हमारा यंत्र काम ही नहीं कर रहा है, ये स्पीडोमीटर चल ही नहीं रहा है, और लेकिन आप देख सकते हैं स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अभी दूसरे अपने कैमरा में शिफ्ट कर चुका हूँ, सबसे लोअर प्राइस वाला कैमरा, तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये गाइस काम करता है, 105 के स्पीड में मैंने गाड़ी भगाई हुई है, उसमें मैंने इसको टेस्ट किया था, ये काम करता है। एवरेज स्पीड 52.1 किलोमीटर, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आज ये धोखा दे रही है हमें। चल यार चल, आज ही अपन लोगों को बेइज्जती करा के ही छोड़ेगी। और अभी भी स्पीड देखिए कम नहीं है, फिर भी ब्रेक लग चुका है गाड़ी में। वेलकम टू मधुबनी, गुड्स वेगन हमें सैल्यूट कर रहे हैं मधुबनी में आने के लिए। कुछ सैल्यूट नहीं करेगा गाइस, वैसे ही बस जोक, आई एम जस्ट अ जोकिंग। ब्रेक अप्लाई हो चुकी है, बस रुकने का टाइम है, रुक जा। थोड़ा सा गैप है, बीच में पैर गया किसी का, पैर कट। तो चलिए अपन लोग उतरते हैं, इधर से उतरे क्या, चलिए इधर से उतरते हैं अपन लोग, इस साइड उतरेंगे। आइए तो चलिए अपन लोग चलते हैं। यू कैन सी गाइस दिस इज नॉट अनदर देन नॉट ए स्टेशन, ही इज इमोशनल फ्रॉम बिहार एंड ये मधुबनी का स्टेशन है, यहाँ के यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, जैसे कोई प्रधानमंत्री ही आने वाले हो, लेकिन यहाँ पे डबल बुल्स इवेंट का क्या इससे, अरे यार इतना आक्रामक भूल रहे हैं यहाँ पे ना। तो चलिए अपन जो काम से आए वो काम सबसे पहले करेंगे, और ये स्टेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं। अब आगे जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला बस, ये इसका ड्राइवर इतना बेहया बेशरम था, मेरा बॉडी से एकदम टच करके ले गए गाइस। अभी इसको मैं दिखाता हूँ मैं इसको गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया भाई, आई एम वेरी इमोशनल, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। पता नहीं कौन सा हैवी ड्राइवर इसमें बैठा हुआ है, शायद लग गया पापा की पड़ी बैठी होगी। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, पापा की पड़ी प्लीज़ अपने हार्ट पर मत लेना, नहीं तो हार्ट फेल कर जाएगा जैसे मेरा कर गया था, आप लोगों को देख के एक बार। सो चलिए अभी क्या है सबसे मुंह लगाना, खुद तो हैं साले गए गुजरे, हम लोगों को मारेंगे। तो चलिए अब चलते हैं जैन कॉलेज सबसे पहले। तो भाई अभी आधे घंटे से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी कॉलेज ना 3 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, और फाइनली अभी कॉलेज आने वाला है, बस 300 मीटर दूर रह चुका है। सो चलिए अभी ना किसी वेट के अब चलते हैं, और ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। हम लोग पहुँच चुके हैं चबच्चा चौक, और मतलब एक तरह से आप यही समझ लीजिए मधुबनी का आस्त्रिपेक्षण हो गया। और अभी आगे है जैन कॉलेज, वहाँ पे मेरे खुद रिलेटिव भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जान पहचान भी है, तो बहुत कुछ भी हो सकता है, हमारा तो क्या ही नहीं हो सकता आप लोगों के आशीर्वाद से। चलिए आप चलते हैं, आ ही गए हम लोग। यह मधुबनी की गलियों में जैन कॉलेज, बहुत ही छुपा हुआ है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हमको स्ट्रगल करना पड़ा, पाँव दुख रहे हैं, मैंने खुद रिक्स लेके पैदल चल के आया मधुबनी के उस छोर से इस छोर तक। तो भाई ये है जनता कॉलेज, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। सो सबसे पहले अपना काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि हम भी किसी के जुगाड़ में ही आए हैं, और चलिए पहले काम कराते हैं अपना। खबर है मेरा जो ये फर्स्ट वाला लिस्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं आया, और मैं अभी आया हुआ था कॉलेज। तो हे गाइस, तो मैं अभी कॉलेज से बाहर आ चुका हूँ, एक्चुअली एक पंगा हो गया, मेरा फर्स्ट वाला मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया, और सेकेंड वाला भी मेरा नाम आने का चांस है। एक्चुअली कुछ LMU के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुछ लोचा के वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग हार नहीं मानेंगे, सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, अपन लोग लास्ट में एडमिशन कराएंगे, बैक बेंचर्स बनेंगे अपन लोग। चलो बंद करो कैमरा, चलो मेरे साथ। इस कॉलेज से मन नहीं भरा, आप चलते हैं RK कॉलेज में, वहाँ पर इंक्वायरी करते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों का माथा उड़ाते हैं। मधुबनी का JN कॉलेज कुछ ऐसा है कॉलेज, और कॉलेज काफ़ी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे तालाब भी है, तालाब के बगल में कुछ ऐसे ऐसे नमूने भी, अरे यार
आपको सीताराम सीताराम ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी ये कुछ कॉलेज आप चलते हैं, हम चलते हैं आर के कॉलेज। भाई का जो है, भाई का काम कराना है, सीएलसी लेना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। सो चलिए लेट्स गो गाइस। वोल्सवैगन पोलो की तरह आप लोग नाराज मत होइएगा गाइस, वोल्सवैगन पोलो की तरह आप लोग नाराज मत होइएगा। अपन लोग बैक वेंचर्स बनेंगे, अपन लोग पीछे वाले पंटर लोग बनेंगे, क्योंकि अपन लोगों का नाम आने वाला सेकंड या थर्ड लिस्ट में, तो ज्यादा नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, भाई अपना आएगा, जरूर आएगा, तोर फर मचा के जाएगा। अगले साल देखेंगे, अगले साल क्या देखेंगे, इसी साल कराएंगे हम। इतना बड़ा जान पहचान है, जान पहचान लेके घूमेंगे, मजाक भाई का काम है आर की कॉलेज में, तो वहाँ पे भी देखेंगे अपन लोग, कॉलेज का काम करेंगे, फिर अपन लोग कुछ नाश्ता पानी भी करेंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा गाइस, नहीं तो थंडरबर्ड की तरह रॉयल एनफील्ड भी ब्रांड एम्बेसडर करने लगे हैं। अरे रॉयल एनफील्ड प्रीमियम क्लास, इधर स्प्लेंडर है, और ये है असली रॉयल एनफील्ड जो कि इस एड में दिख रहा है, ये असली रॉयल एनफील्ड था गाइस। आप लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा रोड क्रॉसिंग ये सब देखा होगा, वाटर क्रॉसिंग ये सब, लेकिन ट्रक डक क्रॉसिंग आपने नहीं देखा होगा। ये डक क्रॉसिंग चल रहा है गाइस, और उन लोगों का रिवर्स गियर भी लग चुका है, वो लोग नहीं, आप फॉरवर्ड गियर लगा चुके हैं अपने बॉडी में, कुछ डग यहीं पे है। आ जा, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा था। तो भाइयों हम आ चुके हैं फाइनली आर के कॉलेज, और आर के कॉलेज में इंटर लेड है गाइस, ये कॉलेज है, और कहाँ भाई जाना है, ये कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं। कॉलेज तो बहुत बड़ा है भाई, उधर से लेके महिला छात्रावास है, यहाँ पे ये अभी आर्किटेक्चर किया हुआ है। आर के कॉलेज का नाम है रामकृष्ण कॉलेज ना। ये है इस साइड का परीक्षा भवन, ये है मूर्ति जो कि अभी कार्यरत है, कंस्ट्रक्शन का काम इधर अभी चालू ही है, ये पार्क बन रहा है इसमें, और इधर बहुत बड़ा मैदान है जो कि हर कॉलेज में होता ही है। कार्यालय कहाँ पे है भाई, पता कहाँ पे करेंगे भाइयों। कितना सुंदर यहाँ पे गार्डन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नुकीले यहाँ पे त्रिशूल टाइप के बने वो काफ़ी ज़्यादा धारदार है। कॉलेज तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है कॉलेज, कॉलेज तो हम गाइस खड़े हैं रामकृष्ण स्कूल, क्या नाम है, रामकृष्ण कॉलेज। सो आर के कॉलेज का शॉर्ट नेम है, और अभी सब काम अपना हो गया, आप चलते हैं यहाँ से, विदा लेते हैं। टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 होने में मात्र 20 मिनट देरी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हम निकलते हैं। हमने एक चीज़ गौर किया है, जहाँ पे कॉलेज स्कूल होता है वहाँ पे तालाब ज़रूर होता है, मैंने जीएन कॉलेज में भी यही देखा, आर के कॉलेज में भी यही देख रहा हूँ, और भी कॉलेज में देखा है, तो ये एक मैंने फैक्ट देखा है। और बाकी चलते हैं अब, और गाइस रामकृष्ण स्कूल से हम लोग अभी कॉलेज से एग्ज़िट ले चुके हैं, और अब चल रहे हैं स्टेशन सबसे पहले, वहाँ पर भी 2-4 स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो वहीं पर कुछ खाना पीना हो जाएगा आज। तो गाइस चलते चलते हाथों की पाँव की दर्द उखर रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा गाइस, नहीं होता इस चौक से हम ऑटो ही कर लेंगे। हमने फाइनली टोटो कर लिया है, और अभी भी हम लोग मधुबनी से काफ़ी इस साइड आ चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग जा रहे हैं मधुबनी के स्टेशन तक। पाँव दुख रहे हैं तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इतना कंजूस भी नहीं बना करते, तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले उधर, वहीं पर जो होगा सो होगा। हम लोगों ने टोटो छोड़ दिया, और ये होटल था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो अपन लोग यहाँ पे नहीं खाएंगे, अपन लोग चलेंगे कुछ बड़े वाले होटल। चलिए लेट्स गो, आज फुल पैसा उड़ा देना है, बाप का पैसा आज ऐसे बिछाना है, ऐसे ऐसे जैसे हम बता नहीं सकते। भाइयों हम लोग सब जगह से घूम फिर के आ चुके हैं, और आखिरी में अपन लोगों को खाना खाना है, कहीं भी नहीं चलते हैं, अशोक होटल चलते हैं, नहीं तो किशोर में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, अशोक में खाया ही हूँ उस दिन, खाए थे, किशोर में चलो। तो चलिए भाई अपन लोग किशोर में आएंगे, किशोर में चलेंगे खाने के लिए। भाइयों हम लोगों ने खाना का ऑर्डर दे दिया है, और एक साइड से होटल या रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते हैं, तो ये कुछ है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर, सॉरी पनीर प्याजा और बटर रोटी, यही हम लोग हैं।
और बाकी जो है खाना टेस्ट करने के बाद कैसा क्या खाना है इन लोगों का, तो फिर आगे ऑर्डर करेंगे। ये पनीर की सब्ज़ी है, बटर रोटी, भुजिया, प्याज है, भाई का भी वही है। पहले टेस्ट करके खाते हैं, अगर खाना अच्छा रहा तो और भी ऑर्डर करेंगे। खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और हमने फिर से ऑर्डर कर दिया खाना। अब की बार क्या पनीर कढ़ाई और पनीर प्याजा, तो ये आ ही गया था पनीर कढ़ाई पनीर मटर, तो आता है अभी और खाएंगे। गाइस अपना पनीर कढ़ाई भी आ चुका है और पनीर मटर जो है वो अभी बाकी है, तो उसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है। क्या कैसा है खाना? बढ़िया था। होटल के छोटे मिल रहे थे लेकिन होटल का खाना ही बहुत अच्छा है। तो भाइयों मस्त पेट भर गया, क्या मस्त खाना था, लाजवाब है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। चलिए आप उठते हैं। भाइयों खाना पीना हो चुका है और आप लोग जब बिल सुनेंगे, इतना हम लोगों ने खाना पीना खाया और टोटल बिल निकला 290, 300 में 10 रुपया ही कम, मतलब एक आदमी का हम लोग मान के चलते हैं 500 रुपया और हम दोनों का लिखना है 290 ही, और बहुत कम में निकला है। और अभी टाइम हो रहे हैं 6 भी नहीं पूरा बजा है। सबसे पहले अपने लोगों को स्टेशन चलना है, वहाँ से 7:11 का ट्रेन है, वो पकड़ के जाना है हम लोगों को राजनगर, तो अब स्टेशन पे जाके वेट करना पड़ेगा। तो आ चुके हैं लेकिन अभी रात हो चुकी है, रात के हो रहे हैं 7 और रात तो हो चुकी है, अब थोड़ी देर में ट्रेन आएगी तो चलेंगे फिर। अपनी ट्रेन गाइस आ चुकी है और इसमें अपन लोग चलेंगे। अभी मधुबनी सिटी को अलविदा कहते हुए रात के 8 हो रहे होंगे, अभी जा रहा हूँ, तो चलिए अब चलते हैं अब। तो जिस कोच में हम लोग हैं उस कोच में, यहाँ नीचे में तो पूरा ही अंधेरा अंधेरा है और बाहर में कुछ ऐसा नज़ारा है जो कि आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते। तो भाइयों अभी आपको सीधा हम राजनगर स्टेशन पर ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप भी थोड़ा वेट कर लीजिए। साथ हम राजनगर पहुँच भी चुके हैं और ये राजनगर के अंधेरे गुफा में, अरे भैया बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो बोल बम भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। स्टेशन से हम सीधा आ गए यहाँ पे पैसा निकालने के लिए। एक्चुअली पैसा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, न मेरे दोस्त का है। तो क्या हुआ भाई, हर दिन चलते रहता है। एटीएम चेंज गाइस, उस एटीएम में नहीं हो रहा था, अब इस एटीएम का क्या देखते हैं। कार्ड डालिए, इंग्लिश कैश विड्रॉल, कार्ड ही नहीं है मशीन में, चालू है कार्ड यहाँ पे लगा है, ये गाइस यहाँ पे लगाया कार्ड, पिन नहीं थी, पिन दिखा दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत गर्म है, आ जा। क्या हो गया बे, इस एटीएम पे पैसे ही नहीं था, अब चलते हैं सीधा घर ही, अब क्या करेंगे यहाँ पे रुक के। गुड मॉर्निंग, तो अभी के टाइम हो रहे हैं लगभग 11 और कल रात को मैं जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था, थक गया था, और अभी हूँ घर में और अभी कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग ये स्पेशली फोन है सॉन्ग के लिए, सिंधु भाई का सॉन्ग बज रहे हैं। जब
जब भी मुझे ऐसा कोई हार्ड गाना सुनना रहता है तो मैं सिंधु भाई का गाना सुन लेता हूँ और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है उसके बाद। वैसे भी उनके गाने इतने पॉपुलर हैं, क्यों ना सुनूँ। सो फिलहाल अभी का टाइम हो रहा है 12 और अभी एक घंटा हमने एक्सपेंड किया गाने सुनने में ही। और अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगाए थे, उधर भी लगाए हैं प्लांट्स में देखिए कुछ प्रॉब्लम आने लगे हैं, जैसे कि ये पत्ते सूख रहे हैं इस साइड से कुछ पत्ते, और बाकी डंडा टाइप का क्या ही निकल गया है, थोड़ा अभद्र लग रहा है देखने में, और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। सो पता नहीं क्या होने लगा, लेकिन मैंने बोल के लिया था इंडोर प्लांट्स ही देना जो रिलायबिलिटी हो उसमें, और वो प्लांट्स लग जा रहा हमसे, लेकिन क्या ही दे दिया ये। तो फिर भी ट्राई करते हैं लगाने का, मरने तो नहीं देंगे इस प्लांट सबको। हे गाइस, तो ये ब्लॉग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और ये ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। और जस्ट अगले दिन मेरे छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे है तो वो भी ब्लॉग आने वाला है। सो फिलहाल आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, शेयर जरूर करना मगर।